हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करते हो आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी फ्रेंड, उस वीडियो का टाइटल बोलने से पहले मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आए ना फ्रेंड्स, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। और भी वीडियो अच्छा लगे या जो वीडियो मैं बना रही हूँ उस वीडियो के बारे में या उस टॉपिक के बारे में आप कुछ जानते हो तो आप कमेंट्स करें फ्रेंड्स। आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स। और हाँ, टाइटल बोल देते हैं। इस वीडियो का टाइटल है फ्रेंड्स, क्या छत्रपति शिवाजी महाराज महाराणा प्रताप के वंशज है या राजा पोरस या ऋषि विश्वामित्र है? मतलब टाइटल तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। वीडियो देखते हैं क्योंकि महाराज का वीडियो है तो महाराज हमारे दिल के बहुत करीब है तो हमको समझ में जरूर आए। जो दूसरे भी लेजेंड का नाम लिखा गया है महाराणा प्रताप जी, तो वो भी हमारे दिल के बहुत करीब है। तो आइए देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम समझ में आएगा फ्रेंड्स। वास्तव में शिवाजी महाराज महाराणा प्रताप के वंशज थे? इस प्रश्न को लेकर बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किया है, तो सबसे पहले हम विस्तार से चर्चा करेंगे इसी प्रश्न पर। वीडियो एंड तक जरूर देखें, चैनल सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। शिवाजी महाराज के वंश की बात सबसे पहले उठती है स्वयं उनके ही जीवन में, शिवाजी महाराज के जीवन में। जब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होने जा रहा था, करीब 6 जून 1674 का उनका राज्याभिषेक होता है रायगढ़ में, तो राज्य अभिषेक से पहले ही एक विवाद पैदा हो गया। कैसा विवाद? कि शिवाजी महाराज की जाति क्षत्रिय जाति नहीं है, इसीलिए वे राज्य सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, इसीलिए वे स्वतंत्र राजा नहीं हो सकते। बड़ा ही आश्चर्यपूर्ण विवाद था, बड़ा ही घटिया विवाद था, जाति को लेकर विवाद था। अगर ये वास्तव में हुआ था तो इससे ज्यादा निम्न कुछ नहीं हो सकता। ये बात आपको कहां मिलेगी? ये मिलेगी आपको जदुनाथ सरकार ने अपनी पुस्तक में दी है, और श्रीमान योगी जो बड़ी ही अद्भुत पुस्तक लिखी है शिवाजी महाराज के जीवन में, रणजीत देसाई भी इसका जिक्र करते हैं। तो यहां पर एक विवाद पैदा हो गया किताबों में जिक्र कि शिवाजी महाराज का जो भोंसले वंश है वो निम्न जाति का है, तो वो सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। तब यहां पर क्या हुआ? तब यहां पर एक काशी से पंडित आते हैं, गागा भट्ट, जिनका नाम विश्वेश्वर भट्ट भी था, लेकिन गागा भट्ट से ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। गागा भट्ट जब रायगढ़ पहुंचते हैं, तब जब उन्होंने देखा कि ऐसा विवाद पैदा हो गया है, तब उन्होंने उस जो ब्राह्मणों की महासभा थी उस सभा को चुनौती दी कि कोई भी शिवाजी महाराज को क्षत्रिय जाति के अतिरिक्त अगर साबित कर दे तो फिर ये राज्याभिषेक नहीं होगा, लेकिन मैं साबित कर सकता हूँ कि शिवाजी महाराज एक क्षत्रिय जाति से है। गागा भट्ट के बारे में आपको बता दूं कि गागा भट्ट एक दिग्विजयी पंडित थे, दिग्विजयी ब्राह्मण, मतलब जिन्होंने चारों दिशाओं के ब्राह्मणों को जीत लिया था। उनसे कोई तर्क करने की हिम्मत नहीं थी किसी में, क्योंकि उनसे तर्क करना ऐसा था जैसे बूंद सागर से तर्क करे, तो गागा भट्ट के सामने यहां पर कोई नहीं आता। तब गागा भट्ट यहां पर पहली बार शिवाजी महाराज को क्षत्रिय साबित करते। कैसे करते हैं? गागा भट्ट यहां पर शिवाजी महाराज को जो वंश है वो बताते हैं, महाराणा प्रताप का जो वंश था, मतलब महाराणा प्रताप के वंश में नहीं पैदा हुए, महाराणा प्रताप से तो करीब 30-32 साल बाद शिवाजी महाराज का जन्म होता है, लेकिन महाराणा प्रताप का वंश और शिवाजी महाराज का वंश एक ही यहां पर गागा भट्ट बताते हैं। कैसे? महाराणा प्रताप से करीब कई पीढ़ियां पहले एक भोसावर नाम की जगह होती है। ये बात आती है आपको डेनिस किनकेट की पुस्तक में। अगर आप डेनिस किनकेट को पढ़ोगे जिन्होंने शिवाजी महाराज का जीवन लिखा है, तब वे बताते हैं कि भोसावर जगह से राजा साजन सिंह या सज्जन सिंह, वे सज्जन सिंह जाते हैं दक्कन की ओर, दक्कन में जाकर अपना भाग्य आजमाते हैं, और वहां पर उनका जो नाम है वो उनके उस स्थान की वजह से, उदयपुर के पास था भोसावर की वजह से भोसले पड़ जाता है, और वे ही बाद में जाकर उसी वंश में जाकर शिवाजी महाराज का जन्म होता। तो ऐसे करके रिलेशन है, मतलब महाराणा प्रताप भी यहाँ पर गोहिल वंशी है और शिवाजी महाराज भी यहाँ पर गोहिल वंशी है, ये डेनिस किनकेट कहते हैं। लेकिन शिवाजी महाराज का एक और यहाँ पर तर्क आता है कि शिवाजी महाराज को पुरुवंशी भी यहाँ पर कई इतिहासकारों ने बताया, मतलब राजा पोरस से शिवाजी महाराज का ये
वंश निकला है। तो राजा पोरस और महाराणा प्रताप का वंश, ये दोनों ही वंश से शिवाजी महाराज का वंश माना जाता है। लेकिन तीसरी बात रणजीत देसाई अपनी पुस्तक में लिखते हैं, जहां पर गागा भट्ट, स्वयं गागा भट्ट शिवाजी महाराज के वंश को विश्वामित्र का वंश साबित करते हैं। दरअसल महर्षि विश्वामित्र को ज्यादातर लोग ब्राह्मण मानते हैं, लेकिन विश्वामित्र एक क्षत्रिय जाति से थे। विश्वामित्र राजा थे अपने राज्य के, लेकिन उन्होंने अपने राज्य का त्याग करके तपस्या की नहीं, और बाद में ब्राह्मण अपने कर्म से बने। कितना बड़ा उदाहरण था कि जन्म से ब्राह्मण नहीं थे महर्षि विश्वामित्र, लेकिन कर्म से तपस्या करके ब्राह्मणत्व उपलब्ध किया। तो यहाँ पर विश्वामित्र के ही वंश में शिवाजी महाराज का जन्म होता। तो रणजीत देसाई यहाँ पर शिवाजी महाराज को कौशिक वंश का बताते हैं। तो बहुत सारा घोलमेल आपको यहाँ पर देखने को प्राप्त होगा। एक और बात जो जदुनाथ सरकार अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ 6 जून को, और 28 मई को ही गागा भट्ट उनको प्रायश्चित करवाते हैं। कैसा प्रायश्चित करवाते हैं कि शिवाजी महाराज के जो पूर्वज थे, जब वो दक्कन में आए तो वे अपने क्षत्रिय कर्म से पतित हो गए, मतलब उन्होंने अपना क्षत्रिय कर्म छोड़ दिया। इसका शिवाजी महाराज प्रायश्चित करते हैं, और पहली बार उनका उपनयन संस्कार होता है, मतलब शिवाजी महाराज जनेऊ धारण करते हैं। समाज के सामने वे फिर से क्षत्रिय हो जाते हैं, और उसके बाद उनका राज्य अभिषेक होता है। ये सब घटना वहाँ रायगढ़ में हुई, शिवाजी महाराज के जीवन में हुई। आश्चर्य देखो इस घटना पर, आप तथ्यात्मक मैं पूरी बात करूँगा आगे सीरीज में शिवाजी महाराज की, में कि क्या तथ्य रहे इस घटना के, क्या नहीं रहे। लेकिन अगर ये घटना वास्तव में हुई थी, जैसा कि बहुत सारे इतिहासकारों ने इसका वर्णन किया है, तो इससे ज़्यादा निम्नतम कुछ नहीं है। अगर ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया था, तो इससे ज़्यादा निम्नतम क्या हो सकता है। जो ब्राह्मण कंधे पर जनेऊ, माथे पर तिलक और अपने सर पर चोटी सिर्फ शिवाजी महाराज की वजह से रख पा रहे थे, वे ब्राह्मण शिवाजी महाराज का वंश पूछ रहे हैं, उनकी जाति पूछ रहे हैं, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या ही कहोगे। लेकिन गागा भट्ट यहाँ पर शिवाजी महाराज को चित्तौड़ वंश से जोड़ते हैं, या रणजीत देसाई की माने तो कौशिक वंश से जोड़ते हैं, मतलब एक उच्च वंश से जोड़ते हैं। गागा भट्ट क्यों जोड़ते हैं, गागा भट्ट के बारे में आप पढ़ोगे तो गागा भट्ट के जो पिता थे वे काशी विश्वनाथ के मुख्य पुजारी थे, मुख्य थे। लेकिन जब औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ को तोड़वा दिया, तब यहाँ पर गागा भट्ट को बड़ा ही शोक हुआ, क्योंकि भारतवर्ष का कोई भी क्षत्रिय राजा काशी विश्वनाथ को टूटने से नहीं रोक पाया। आप देखो, अगर ये विवाद पैदा हुआ है कि शिवाजी महाराज क्षत्रिय नहीं है, वे राजा नहीं बन सकते, तो आप देखो उस समय के भारतवर्ष के क्षत्रिय क्या कर रहे हैं, मुगलों की जूतियां उठा रहे हैं। ऐसे क्षत्रिय राजा चाहिए थे? अरे शिवाजी महाराज वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने जीवन को स्वयं गढ़ा था। मैं नहीं मानता कोई वंश को न जाति में मेरा कोई इंटरेस्ट रहता है, लेकिन अगर ये बात उठी है तो इस पर विस्तार से चर्चा होनी ही चाहिए। मैं आगे सीरीज में इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये 2-3 तरीके से मिलता है। तो गागा भट्ट यहाँ पर फिर शिवाजी महाराज की तलाश में आते हैं, रायगढ़ पहुँचते हैं, क्योंकि गागा भट्ट जानते हैं अगर कोई व्यक्ति उस समय भारतवर्ष में था, कुछ चुनिंदा लोगों में से, जैसे उस समय गुरु गोविंद सिंह लड़ रहे थे, उस समय छत्रसाल बुंदेला लड़ रहे थे, उस समय लड़ तो बहुत सारे रहे थे, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों को मुगलों की भाषा में जवाब दे रहे थे। तो शिवाजी महाराज से या गागा भट्ट को एक उम्मीद है कि कोई अगर मंदिरों को फिर से टूटने से बचा सकता है, तो वे केवल शिवाजी महाराज हैं। तब गागा भट्ट यहाँ पर, गागा भट्ट विद्वान व्यक्ति हैं, वो जो कह देंगे ब्राह्मणों को नतमस्तक होकर मानना पड़ेगा, दंडवत करके मानना होगा, क्योंकि उनसे शास्त्रार्थ करने की किसी की हिम्मत नहीं। तो गागा भट्ट का, अगर गागा भट्ट ने ऐसा किया है तो उनका एहसान सदैव रहेगा। लेकिन यहाँ पर जदुना सरकार कहते हैं कि गागा भट्ट को पैसे दिए थे इसके लिए शिवाजी महाराज के जो मुंशी जी थे, बहुत सारे पैसे दिए थे कि तुम हमें ऊंचे वंश का साबित कर दो। जदुना सरकार ने तो बहुत ही ज़्यादा आपकी मट्टी पलीत करी है, कछु ना है। तो ये सब घटना यहाँ पर घटी। तो विश्वामित्र के वंश से, महाराणा प्रताप के वंश से, राजा पोरस के वंश से शिवाजी महाराज के इस वंश को जोड़ा जाता है। आप वंश में कतई न जाएं, जाति में कतई न जाएं, शिवाजी महाराज एक मराठा थे, और मराठा सभी जातियों का स्वागत करती है, वहां पर कोई जातिवाद नहीं है। तो कृपा करके आप भी कोई जातिवाद न फैलाएं। शिवाजी महाराज की एक ही जाति है कि वे छत्रपति थे जिन्होंने वास्तव में ही हिंदू धर्म को बचा लिया, भगवा को बचा लिया। उससे ऊंची जाति मैं नहीं समझता कि कोई और होगी। तो
बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक सुनने के लिए। और भी जो आपके प्रश्न हैं वो आप सभी भाई कमेंट करें। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। और फ्रेंड्स, ये जिस चैनल का वीडियो है उस चैनल का नाम है आचार्य देव विराट। और ये थोड़ा मैं कैमरा को मेरी तरफ घुमा लेती हूँ और अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये बात करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो इस वीडियो में टॉपिक उठाया ना फ्रेंड्स, ये टॉपिक मैं कितनी बार न्यूज़ में देख चुकी हूँ, तो मेरी तो हिम्मत नहीं हुई उस पर कभी रिएक्शन देने की फ्रेंड्स। लेकिन मैं एक बात बोलूँगी ना फ्रेंड्स कि हाँ, ये बात मैंने भी सुनी थी कि जब महाराज का अभिषेक हो रहा था तब ये प्रश्न उठा था कि महाराज किस वंशज से है या वो राजा नहीं बन सकते हैं। ये सब तो मैंने पढ़ा है फ्रेंड्स और मैंने सुना भी है। हाँ, सुना है मतलब ये न्यूज़ के माध्यम से ही मैंने ये सुना है फ्रेंड्स। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी ना फ्रेंड्स कि इंसान जन्म से बड़ा नहीं होता, इंसान कर्म से बड़ा है फ्रेंड्स। तो छत्रपति शिवाजी महाराज, अगर ये वैसे जो इस वीडियो में बोला गया फ्रेंड्स कि ये जो विवाद हुआ था वो बहुत ही घटिया विवाद था, ऐसे तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि उनमें आप में क्षमता है तो आप कुछ भी कर सकते हो फ्रेंड्स। आपकी जाति या आपके वंश उसमें नहीं आ सकता है। ओ तो ये जो विवाद था वो बहुत ही मतलब घटिया विवाद था। आज के हालातों को हम देख के थोड़ा ऐसा लगता है हमको, लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि इतने महान 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 इंसान श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ ये हो सकता है, तो आप और मैं कौन है? कोई कुछ नहीं है फ्रेंड्स। अभी के युग की मैं बात कर रही हूँ फ्रेंड्स। महाराज जो राजा बने थे अपने कर्म से बने थे, अपने कारनामों से बने थे फ्रेंड्स। और वो उन्होंने वो सब बिल्ड किया था, तो उधर जाति क्या देखनी है फ्रेंड्स। इंसान बोला ना कर्म से महान होता है, स्वयं भगवान ने भी कहा है कर्मण्येवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करते जाओ, आप किस वंशज में आए हो या आप कहाँ से हो या फिर आपकी जाति क्या है, ये कोई मायने नहीं रखती। और जिस जिसने विवाद किया था वो ही आज उनको भगवान के रूप में पूछते हैं फ्रेंड्स। आज कुछ नहीं है, न ऊंची जाति न नीची जाति, कुछ नहीं है फ्रेंड्स। छत्रपति शिवाजी महाराज की जगह जो है ना फ्रेंड्स, युगों युगों तक हमारे दिल में है फ्रेंड्स। और हम उनको में हम लोग जब भी छत्रपति शिवाजी महाराज की बात आती है फ्रेंड्स, तो हम मराठा की बात करते हैं फ्रेंड्स। मराठा के गौरव श्री छत्रपति शिवाजी महाराज है। मैं मराठा नहीं हूँ फ्रेंड्स, लेकिन मेरे भी गौरव, मैं भी उनको पूछती हूँ। मुझे बहुत पसंद है फ्रेंड्स श्री छत्रपति शिवाजी महाराज फ्रेंड्स। आप यकीन मानोगे कि जब मैंने ये वीडियो नहीं, इससे ही रिलेटेड महाराज की जाति से रिलेटेड मैंने एक वीडियो देखा था, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उन पर रिएक्शन दूँ। हालांकि मेरे इसको सजेशन भी थे, लेकिन मैं महाराज के बारे में ये सुन नहीं सकती। मुझे गुस्सा आता है कि इतने महान महान व्यक्ति को भी इस चीज़ का, जो एकमात्र उस टाइम पे एकमात्र उम्मीद हमारे महाराज फ्रेंड्स, जो मुगलों के साथ लड़ सकते थे फ्रेंड्स। तो ये इंसान, और आगे उन्होंने ये सब बिल्ड किया था तभी वो राजा की गद्दी पे बैठने जा रहे थे फ्रेंड्स। फिर भी ये विवाद फ्रेंड्स, तो उससे तो वाकई में घटिया बात कोई हो नहीं सकती। और महाराज पे संदेह करना, स्वयं भगवान से के ऊपर संदेह करना होगा। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भी अच्छा लगा हो तो आप मेरे को इस विषय के बारे में आप जानते हो तो मेरे को ज़रूर कमेंट्स करना फ्रेंड्स। और अब मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।